हाय फ्रेंड्स, आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ नवभारती स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल विद ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, आज मैं बीएड सेकंड ईयर के कंपलसरी सब्जेक्ट ईपीसी थर्ड के पार्ट टू को लेकर उपस्थित। जैसा कि हमने पिछली क्लास में शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में चर्चा की, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण के अवधारणा, संप्रेषण के प्रकार यानी कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण का महत्व, संप्रेषण की आवश्यकता, संप्रेषण में जो बाधाएं आती हैं, जो बैरियर आते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक प्रभावशाली संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है कि उनके लिए कोई निश्चित सिद्धांत होने चाहिए। जैसे ध्यान आकर्षण का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, संगमता का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत। कहने का मतलब, जो नियम हैं संप्रेषण के, जिससे प्रभावशाली जिनको बनाया जा सकता है संप्रेषण को, ऐसे नियम की पालना करना आवश्यक है, तभी प्रभावशाली संप्रेषण बन सकता है। तो आज हम संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। विषय ईपीसी थर्ड प्रकरण संप्रेषण के सिद्धांत। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा संप्रेषण के सिद्धांत। जैसे नंबर एक, ध्यान केंद्र का सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत को ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात एक ही है, दोनों सही। नंबर दो, स्पष्ट का सिद्धांत। नंबर तीन, विशिष्टता का सिद्धांत। नंबर चार, समन्वय का सिद्धांत। और नंबर पांच, संगमता का सिद्धांत। तो दोस्तों, जब संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में हम बात करते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि इन सब का पालन करना जरूरी है। यदि इन सब सिद्धांतों का पालन करेंगे तो जो हमारा संप्रेषण होगा वो कैसा होगा? प्रभावशाली होगा।
तो प्रभावशाली संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि जैसे पहला संप्रेषण है ध्यान केंद्रित का सिद्धांत, यानी जो ध्यान केंद्रित का सिद्धांत है उसकी अक्षर से पालना तब होगी जब हम संदेश लिखते समय पूर्ण केंद्रित, पूर्ण ध्यान केंद्रित होकर संदेश लिखें या बोलें। यदि संदेश लिखते वक्त आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, तो मान लो जैसे कि कीबोर्ड पर आप बी टाइप करना चाहते हो, बी की कमांड देना चाहते हो, और संदेश में वो एन प्रिंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो ध्यान केंद्रित नहीं है और बी और एन कीबोर्ड में एक जगह होते हैं, तो थोड़े से ध्यान हटने से ही वो उंगली बी के स्थान पर एन से टच हो जाती है। तो इसका मतलब ध्यान केंद्रित ना होने की स्थिति में संदेश गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य जो बात है कि संदेश में ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उसका मतलब है ध्यान केंद्रित का सिद्धांत। अब इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे, संदेश लिखते समय ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यदि एक चित्त मन के बिना लिखा गया संदेश गलत हो जाता है। कहने का मतलब संदेश जब हम लिखते हैं तो संदेश लिखते समय पूर्ण ध्यान के साथ संदेश लिखना चाहिए, जिससे कि वो संदेश सही पहुंच सके। दूसरा जो सिद्धांत है दोस्तों, वह है स्पष्टता का सिद्धांत। तो संदेश लिखते समय या बोलते समय संदेश की जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, जिससे कि प्राप्तकर्ता उसको समझ सके और पढ़ सके। यदि भाषा क्लिष्ट होगी तो संदेश की भाषा क्लिष्ट होने के कारण वो बिना समझे भी रह सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, स्पष्टता का सिद्धांत यह कहता है कि संप्रेषण तब प्रभावशाली बन सकता है जब संप्रेषण की भाषा स्पष्ट हो। जैसे संप्रेषण प्रक्रिया में भाषा सरल सुगम और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे संदेश पढ़ा एवं समझा जा सके। कहने का मतलब दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया में भाषा सरल सुगम और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे संदेश पढ़ा एवं समझा जा सके। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रभावशाली संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संप्रेषण कैसा होना चाहिए, उसकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों,
विशिष्टता का सिद्धांत। दोस्तों विशिष्टता का जो सिद्धांत है इसका मतलब यह होता है कि संप्रेषण के अंतर्गत जो भाषा है वो शिष्ट होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, अश्लील शब्दों का संदेश के अंतर्गत कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो संदेश होगा, जो संप्रेषण होगा, वो कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। इसका यदि हम ज्वलंत उदाहरण देखें तो दोस्तों देखा होगा आपने जो कस्टमर केयर की भाषा होती है वो एक इस विशिष्टता के सिद्धांत का पूर्णतः यानी कि अक्षर से पालना करती है। आपको पता होगा कि कस्टमर केयर पर चाहे वो फीमेल है या मेल है कभी भी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। उनकी जो भाषा होगी वो बहुत ही विनम्र और सुगम और सरल हो। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि विशिष्टता का जो सिद्धांत है उसकी जो अक्षर से पालना करता है वो कस्टमर केयर। तो इस प्रकार संदेश में, इस प्रकार संप्रेषण में विशिष्टता का महत्व है। तो यानी कि विशिष्टता का सिद्धांत जब संप्रेषण प्रक्रिया में शिष्ट एवं विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता हो एवं अश्लील शब्दों का संदेश में कोई स्थान ना हो तो वह विशिष्टता के सिद्धांत की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब दोस्तों जब संप्रेषण प्रक्रिया में शिष्ट एवं विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता हो एवं अश्लील शब्दों का संदेश में कोई स्थान ना हो तो वह विशिष्टता के सिद्धांत के श्रेणी में आता है। यानी कि जो वह प्रक्रिया है वो किस श्रेणी में आती है दोस्तों? विशिष्टता के सिद्धांत की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत दोस्तों, समन्वय का जो सिद्धांत होता है इससे तात्पर्य यह होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में समन्वय होना अति आवश्यक है। यदि सेंडर और रिसीवर के बीच में समन्वय नहीं होगा तो एक प्रभावशाली संप्रेषण की
कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे मान लो कोई मोबाइल से मैसेज करता है, संदेश भेजता है, और वो संदेश भेजता ही रहता है, लेकिन रिसीवर उसको प्राप्ति नहीं करता, तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाई? इसका मतलब वो जो प्रक्रिया है वो किस ओर इशारा करती है कि समन्वय के सिद्धांत की पालना उसमें नहीं हो रही है, रिसीवर और सेंडर के बीच में तालमेल नहीं है। इसका मतलब वो समन्वय के सिद्धांत की पालना के विरुद्ध है। तो समन्वय की पालना का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक अधिकारी एक पत्र दे रहा है अपने जूनियर अधिकारी को और वो उसकी अक्षर से पालना करके और फिर उसका जवाब दे रहा है, या फिर एक सेंडर मैसेज वाला जो मैसेज भेजता है और रिसीवर फिर उसका जवाब देता है, तो ये जो आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो समन्वय के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो कहने का मतलब प्रभावशाली संदेश तभी हो सकता है जब दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में समन्वय हो। परिभाषा के रूप में देखेंगे इसको, जब संदेश कर्ता एवं संदेश प्राप्त कर्ता के बीच तालमेल के साथ संदेश का आदान प्रदान होता है तो वह समन्वय का सिद्धांत कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों, जब संदेशकर्ता एवं संदेश प्राप्तकर्ता के बीच तालमेल के साथ संदेश का आदान प्रदान होता है तो वह समन्वय का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि मेन बात इसमें यह आती है दोस्तों कि समन्वय के सिद्धांत के अंतर्गत सेंडर और रिसीवर के बीच में तालमेल होना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी कार्यालय से किसी उच्च अधिकारी ने अपने निम्न अधिकारी को कोई आदेश दे दिया और उसके आदेश की पालना ना होकर उसको ऑफिस में डाल दिया कहीं भी, तो इसका मतलब उसका उसके साथ समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है। और मैं वर्तमान परिचय में बताता हूं आपको कि गृह मंत्रालय से चिट्ठी आती है पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी की सरकार को कोविड 19 के संदर्भ में कि WHO की टीम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार उसका सपोर्ट नहीं करती है, उसके आंकड़ों को छुपाती है, उनका सही जवाब नहीं देती है, उनके इस प्रकार के जो विरोधाभासी स्थिति है वो समन्वय के सिद्धांत का विरोध करती है। तो कहने का मतलब वो जो संप्रेषण है वो सही नहीं है। सही कब होगा? जब समन्वय होगा। तो समन्वय होने की स्थिति में ही संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संगमता का सिद्धांत। दोस्तों इसी का दूसरा नाम है संगमता का ही, एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत दोस्तों, जिस प्रकार समन्वय के सिद्धांत के अंतर्गत तालमेल होता है वही स्थिति इसके अंतर्गत आती है। यानी संगमता का सिद्धांत भी यही कहता है कि संप्रेषण में एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि जो संदेश है वो संदेश की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि संदेश प्राप्त करता उसको
यानी कि उसके अनुकूल हो, यानी अनुकूल स्थिति में जो संदेश दिए जाते हैं वो कैसे कहलाते हैं, संगमता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। प्रतिकूल स्थिति में संदेश नहीं हो सकता, यानी कि एक दूसरे के जो अनुकूल संदेश होते हैं वो संगमता सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो दोस्तों, जब संदेश की रूपरेखा संदेश कर्ता एवं संदेश प्राप्तकर्ता के बीच एक रूपता प्राप्त होती है तो संदेश प्रभावशाली श्रेणी के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब दोस्तों, प्रभावशाली संदेश तब बन सकता है जब संदेश की रूपरेखा संदेशकर्ता एवं संदेश प्राप्तकर्ता के बीच एक रूपता प्राप्त होती है। कहने का मतलब उन दोनों के बीच में कोई विरोधाभास पैदा ना हो, यानी कि विरोधाभास पैदा ना होने की स्थिति में जो सिद्धांत होगा वो संगमता का सिद्धांत कहलाएगा, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में विरोधाभास ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों, ये थे हमारे संप्रेषण के सिद्धांत। नेक्स्ट वाला जो बिंदु है वो है, यानी कि संप्रेषण जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है उसमें बाधाएं क्या क्या आती हैं, बैरियर क्या क्या आते हैं, उन पर ध्यान देना आवश्यक है कि संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन सी बैरियर आते हैं। तो जैसे नंबर एक, भौतिक बाधाएं। संप्रेषण की बाधाएं, नंबर एक है दोस्तों भौतिक बाधाएं। नंबर दो, भाषा की बाधाएं। नंबर तीन, माध्यम की बाधाएं। नंबर चार, पृष्ठभूमि की बाधा। नंबर पांच, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। नंबर छह, प्रबंध
किए बाद में तो दोस्तों संप्रेषण के अंतर्गत एक जब प्रभावशाली संप्रेषण करते हैं तो उनके अंतर्गत निम्नलिखित ये बाधाएं आती हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है, जैसे भौतिक बाधाएं, भाषा की बाधाएं, माध्यम की बाधाएं, पृष्ठभूमि की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, प्रबंधकीय बाधाएं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे नंबर एक है भौतिक बाधाएं। तो दोस्तों भौतिक बाधाएं जो होती हैं इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी संप्रेषण प्रभावशाली तब बन सकता है जब उसके अंतर्गत भौतिक बाधाएं ना हो। जैसे कक्षा कक्ष में शोर का होना, या फिर कक्षा कक्ष में फर्नीचर की अव्यवस्था होना, संसाधनों का ना होना, वातावरण का प्रतिकूल होना। मान लो कॉलेज में क्लास चल रही है और क्लास लेक्चरर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी दरमियान आंधी तूफान आ जाता है, तो उनकी जो संप्रेषण प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, क्लास पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी जो बाधाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, भौतिक बाधाएं कहलाती हैं। जैसे कक्ष में शोर होना। देखिए दोस्तों जब अध्यापक कक्षा ले रहा है तो उस स्थिति में यदि विद्यार्थी शोर करेंगे तो संप्रेषण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो कक्षा कक्ष में शोर होना ये किसके अंतर्गत आता है, भौतिक बाधाओं के अंतर्गत। दूसरा है अव्यवस्थित भौतिक अव्यवस्थित संसाधन, तीन अक्षमता, नंबर चार जैसे दोस्तों कक्षा कक्ष में शोर होना, अव्यवस्थित संसाधन, अक्षमता, और इसके अलावा जैसे भौतिक भौतिक सुविधाओं की कमी, यानी कि ये सब जो व्यवस्थाएं हैं जब नहीं होंगी तो कहने का मतलब संप्रेषण में कहीं ना कहीं क्या आएगा, बाधाएं आएंगी, और जो हमारा जो संप्रेषण होगा वो प्रभावशाली नहीं बनेगा। नेक्स्ट है भाषा की बाधाएं। अब भाषा की बाधाएं के अंतर्गत आता है दोस्तों यदि अध्यापक मान लो शारीरिक दृष्टि से अक्षम है, जैसे तुतलाना, हकलाना, यदि यह परेशानी है तो कक्षा कक्ष में कहीं ना कहीं संप्रेषण में विरोध होगा, यानी बाधा आएगी। तो ये जो बिंदु है भाषा की बाधाएं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे शारीरिक विकलांगता, नंबर दो शब्द भंडार
की कमी। नेक्स्ट, आई स्पष्ट सब। तो दोस्तों कहने का मतलब, यदि शारीरिक विकलांगता है तो संप्रेषण में बाधा आएगी, शब्द भंडार की कमी है तो संप्रेषण में बाधा आएगी। मान लो कोई शब्द को स्टूडेंट नहीं पहचान पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, उसको नहीं समझ पा रहा है, तो उसका कोई दूसरा शब्द, पर्याय शब्द, मान लो सूर्य, मान लो भानु को नहीं समझ पा रहा है स्टूडेंट, तो उसको सूर्य बताइए, सूर्य के जो पर्यायवाची उन शब्द का ज्ञान कराइए। तो मान लो ऐसे कोई शब्द, अब दिनकर बोल दिया और दिनकर को बच्चा नहीं समझ पाया, तो उसको बताओ कि दिनकर सूर्य होता है। तो यह कब संभव है? जब शब्द भंडार होगा, यानी जब शब्द भंडार होगा तो संप्रेषण कैसा हो जाएगा? सरल हो जाएगा और प्रभावशाली होगा। अस्पष्ट शब्द, यानी कि अस्पष्ट शब्द, कहने का मतलब जब अध्यापक क्लास में पढ़ाता है तो शब्द हमेशा स्पष्ट रूप से बोले जाने चाहिए, यानी स्पष्ट शब्दों के माध्यम से ही संप्रेषण प्रभावशाली होगा। तो अस्पष्ट शब्द नहीं होने चाहिए, यानी भाषा की जो बाधा में वो क्या है, अस्पष्ट शब्द बाधा करते हैं, शब्द भंडार की जो कमी है वो बाधित करता है, शारीरिक विकलांगता है वो बाधित करते हैं। नेक्स्ट है, माध्यम की बाधाएं। तो दोस्तों माध्यम, जो संप्रेषण का माध्यम होता है उसके अंतर्गत बाधा क्या क्या आ सकती है। जैसे माध्यम बाधा की बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो है तकनीकी, तकनीकी की अज्ञानता। नेक्स्ट है माध्यम यानी कि उपकरण, उपकरण की अनुपयोगिता। उपकरण की अनुपयोगिता, तकनीकी खराबी। दोस्तों पहला बिंदु है, यानी कि माध्यम की जो बाधाएं हैं वो किस स्थिति में आती हैं। माध्यम यानी संप्रेषण का माध्यम, तो संप्रेषण के माध्यम में बाधा जो आती है वो सबसे पहले आती है तकनीकी की अज्ञानता। तकनीकी की अज्ञानता का तात्पर्य यह है कि मान लो अध्यापक एक स्पीकर से क्लास ले रहा है, लेकिन अध्यापक को उस स्पीकर को सेट करने का ज्ञान ही नहीं है। मान लो प्रोजेक्टर से क्लास ले रहा है और उस प्रोजेक्टर का ज्ञान ही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो माध्यम की बाधाएं के अंतर्गत आएगा और वो संप्रेषण अच्छा नहीं हो सकता है। चाहे अध्यापक को कितना भी ज्ञान हो, वो विद्वान हो, लेकिन वो तकनीकी का प्रयोग कर रहा है और तकनीकी के प्रयोग यानी तकनीकी की अज्ञानता की वजह से वो अच्छा संप्रेषण नहीं कर सकता, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। किस वजह से, क्यों आई बाधा? ये वो इसलिए आई क्योंकि तकनीकी की अज्ञानता थी उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है उपकरण की अनुपयोगिता। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट है और अध्यापक पढ़ा रहा है और कोई तकनीकी प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी कि कोई उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहा है,
और कभी कभी क्या होता है, मान लो क्लास में 8-10 स्टूडेंट है और स्पीकर से पढ़ा रहा है, तो बिल्कुल स्थिति उलट हो गई ना, उपकरण की अनुपयोगिता। यानी उपकरण की उपयोगिता तब बनती है जब मान लो बड़ी क्लास है, तो बड़ी क्लास में हम डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, स्पीकर यानी माइक का सहारा लेंगे। तो कहने का मतलब जब स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है तो हमको माइक से पढ़ाना चाहिए, और यदि स्टूडेंट की संख्या कम है तो हमको डायरेक्ट बिना माइक के पढ़ाना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत है, उपकरण की अनुपयोग। तीसरा है तकनीकी की खराबी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि शिक्षक पढ़ाने में भी दक्ष है और उपकरण भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उपकरण की खराबी की वजह से, जैसे स्पीकर से मान लो माइक के माध्यम से अध्यापक पढ़ा रहा है और उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है और वो कर्कश ध्वनि उसमें से आने लगती है या बंद हो जाता है, मान लो 100 स्टूडेंट की क्लास चल रही है और उसके अंतर्गत आध घंटा क्लास होने के बाद और स्पीकर बंद हो गए, तो वो तकनीकी की खराबी भी माध्यम की बाधा के अंतर्गत आता है, यानी वो भी संप्रेषण को खराब कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण मैं ये बता देता हूं कि अब ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है और अकस्मात कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो वो क्लास यहां की यहीं बंद हो जाएगी। तो ये सब क्या है, माध्यम की बाधा है, संप्रेषण के अंतर्गत माध्यम की बाधा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि की बाधा। पृष्ठभूमि के अंतर्गत दोस्तों यह आता है कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अज्ञानता की वजह से, जैसे नंबर एक पूर्व शिक्षण में कमी, नंबर दो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से ना जोड़ पाना, और तीसरा है अनुशासन। देखिए दोस्तों, जो पृष्ठभूमि की बाधा है, जो मूलभूत बाधा है जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि मान लो अध्यापक पढ़ाने में सक्षम है और स्टूडेंट पढ़ने में सक्षम है, दोनों तरफ से एक बहुत अच्छा संप्रेषण होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई नया स्टूडेंट 20 सत्र में आ जाता है, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है उसका ट्रांसफर हुआ और उसके साथ उसके बच्चे आ गए तो बच्चों का भी ट्रांसफर हो गया, तो वो फिर दूसरे विद्यालय में जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो स्टूडेंट का लेवल है, जो विद्यार्थियों का लेवल है, पहले से कैसा चल रहा था, समरूप चल रहा था, अध्यापक और स्टूडेंट के बीच तालमेल चल रहा था, लेकिन अकस्मात किसी नए विद्यार्थी के आ जाने से और वो तालमेल बिगड़ गया। वो कैसे बिगड़ गया कि वो मान लो उस विद्यालय में पढ़ने में कमजोर रहा हो, वो इससे बाफिक ना हो जो विद्यालय नया विद्यालय मिला उसमें, तो पूर्व शिक्षण में कमी, यानी कि अब वो जो संप्रेषण हो रहा है वो कमी का कारण क्या रहा उस विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में, क्योंकि उसका पूर्व शिक्षण में कमी थी, यानी जहां से वो आया है, जहां से वो अधिगम किया है उसने, वो अधिगम कहीं ना कहीं कमी पा रहा था, इसलिए वो संप्रेषण में परेशानी आई। तो ये पृष्ठभूमि की बाधा के अंतर्गत आता है। दूसरा है जैसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से ना जोड़ पाना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अध्यापक जब किसी विषय को चुनता है तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए। यदि ऐसी स्थिति नहीं होगी
तो इसका मतलब पृष्ठभूमि की बाधा के अंतर्गत वो आता है। नेक्स्ट है अनुशासन। दोस्तों अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के बीच एक बहुत प्रभावशाली संप्रेषण है, लेकिन उस स्थिति में अनुशासन भंग हो जाता है तो संप्रेषण प्रभावशाली नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है संप्रेषण के लिए वो आवश्यकता क्या है, अनुशासन की है। बिना अनुशासन के हम प्रभावशाली संप्रेषण की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब पूर्व शिक्षण में कमी, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से ना जोड़ पाना, अनुशासन, ये सब क्या है पृष्ठभूमि की बाधा है, यानी कि अनुशासन ना होने की स्थिति में संप्रेषण अच्छा नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तो इसमें आता है दोस्तों अध्ययन में रुचि का ना होना, ध्यान केंद्रित ना होना, नेक्स्ट है अपूर्ण जिज्ञासा, दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक बाधा है संप्रेषण की उसको हम जब स्पष्ट करेंगे तो यह आता है दोस्तों कि अध्ययन में रुचि का ना होना, यह मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है कि जब अध्ययन में रुचि नहीं होगी तो संप्रेषण अच्छा कैसे हो सकता है। कितना भी अच्छा अध्यापक पढ़ाए लेकिन जब विद्यार्थी की अध्ययन में रुचि नहीं है तो वो संप्रेषण अच्छा नहीं हो सकता, यानी कि संप्रेषण में कहीं ना कहीं बाधा आए। दूसरा है ध्यान केंद्रित ना होना, विद्यार्थी और स्टूडेंट के बीच में ध्यान केंद्रित होना अति आवश्यक है। मान लो लेक्चर चल रहा है और बच्चे का ध्यान ही नहीं है, स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं है, तो इसका मतलब वो मनोवैज्ञानिक बाधा से गुजर रहा है और वो संप्रेषण प्रभावशाली नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है अपूर्ण जिज्ञासा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि स्टूडेंट और अध्यापक के बीच में यह स्थिति बन जाती है कि अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, अध्यापक ने जैसे फॉर एग्जांपल संसद को पढ़ा दिया और बता दिया कि संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, क्लियर कर दिया। लेकिन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर संसद के तीन अंग क्यों होते, दो क्यों नहीं होते, एक क्यों नहीं होता। तो इस प्रकार की वो जिज्ञासा है अपूर्ण जिज्ञासा जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता, वो भी क्या है साइकोलॉजिक इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक बाधा में अंदर आता है, यानी ऐसी जो प्रतिक्रिया है वो मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय बाधा। संप्रेषण में दोस्तों जो प्रबंधकीय बाधाएं होती हैं वो भी अपने आप में अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे नंबर एक प्रबंधन का समय समय पर समय समय पर निर्देशन ना होना, नंबर दो कर्मचारियों के साथ द
भेदभाव। तो दोस्तों ये जो प्रबंधकीय बाधाएं जो होती है संप्रेषण की, इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रबंधन का समय समय पर निर्देशन ना होना। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि संस्था का जो प्रबंधन है वो समय समय पर कर्मचारियों के साथ निर्देश देते रहना चाहिए, जिससे कि उनका आपसी संप्रेषण बना रहे। दूसरा है कर्मचारियों के साथ भेदभाव। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि प्रबंधन का कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो जाता है। किसी कर्मचारी को बहुत अच्छा मान लिया जाता है और किसी कर्मचारी को निम्न मान लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संप्रेषण में बाधाएं आती हैं। तो यह था दोस्तों संप्रेषण की बाधाएं। नेक्स्ट है दोस्तों संप्रेषण की आवश्यकता। संप्रेषण की आवश्यकता है, एवं महत्व, यानी आवश्यकता और महत्व एक ही बात है दोस्तों। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर संप्रेषण की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या फायदा है संप्रेषण से। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि विचारों के आदान प्रदान करने की सुविधा। संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्य को इंसान बनाता है। यदि संप्रेषण ना होता तो मनुष्य को मनुष्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो कहने का मतलब संप्रेषण नंबर एक विचार एवं सूचनाओं के आदान प्रदान करने का साधन। तो दोस्तों विचार एवं सूचनाओं के आदान प्रदान करने का जो साधन है वो क्या है, संप्रेषण है। यदि संप्रेषण नहीं होता तो हमारे विचार, हमारी सूचना, इन सबका आदान प्रदान ही संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण की आवश्यकता बन जाती है, यानी उसका एक महत्व बढ़ जाता है कि विचार और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए जो साधन है वो क्या है, संप्रेषण है। तो वो आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट है विरोध का अंत। दोस्तों जो संप्रेषण है इसका एक महत्वपूर्ण बात यहां आती है कि यह विरोध का अंत करने वाला होता है। अब विरोध का अंत करने वाला कैसे होता है, आपको पता होगा दोस्तों कि जब मान लो किसी दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो जाता है और मतभेद होने से यदि उनकी बातचीत करना ही बंद हो जाता है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि समझौते के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन उस स्थिति में यदि उनका संप्रेषण हो जाता है, यानी बातचीत हो जाती है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वार्तालाप करके, यानी उसका कोई समस्या है उसका समाधान करके हल निकाल लेते हैं और उनकी बात पुनः प्रारंभ हो जाता है, यानी विरोध का अंत हो जाता है। तो विरोध के अंत होने में क्या है, संप्रेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि विरोध का अंत करने वाला होता है क्या, संप्रेषण। नंबर दो विरोध का अंत। नंबर तीन है
नेतृत्व की क्षमता। आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी संस्था है या संगठन है उसको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ही संभालता है। तो एक व्यक्ति संभालता है तो वो एक व्यक्ति उस संस्था के उस संगठन के विभिन्न कर्मचारियों से वार्तालाप करता है और हर कर्मचारी हर प्रकार का होता है, हर योग्यता का होता है। तो उन सब से उस जो संगठन का संभालने वाला है, जो संगठन का प्रधान है, वो बातें करता है। तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो नेतृत्व करने की क्षमता है, वो बढ़ती है। क्योंकि उसका जो कार्य क्या है, उसका संस्था का कोई भी कार्य है उसका पूर्ण करवाना। तो उसके पूर्ण करवाने में कौन पूर्ण करेगा? उसके जो कर्मचारी हैं वो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नेतृत्व क्षमता का जो विकास करता है वो क्या करता है? संप्रेषण करता है। मान लो वो संस्था का प्रधान किसी से बात ही नहीं करे तो क्या संप्रेषण ही नहीं करे तो क्या संगठन मजबूत होगा? नहीं होगा। संगठन मजबूत कब होगा? जब उसमें संप्रेषण होगा। प्रधान के साथ संप्रेषण पूर्ण होगा, संप्रेषण प्रभावशाली होगा। तो ऐसी स्थिति में संगठन और संस्था भी प्रभावशाली होंगे। कब होंगे? तो इससे क्या होता है, उस प्रधान की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसलिए नेतृत्व क्षमता एक संप्रेषण का क्या है? महत्वाकांक्षी अंग। नेक्स्ट है प्रबंधन के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। दोस्तों जो संप्रेषण होता है वो किसी संस्था या प्रबंधन के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है। क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति कब की जा सकती है? एक अकेला व्यक्ति किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब संस्था का नेतृत्व करने वाला विभिन्न कर्मचारियों से बात करेंगे और कोई कठिनाई पर विचार व्यक्त करेंगे, सुझाव लेंगे उनका, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कठिनाई को हल किया जा सकता है। एक दूसरे के सुझाव लेके उसको हल किया जा सकता है और जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। तो कहने का मतलब संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जो प्रबंधन के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। यदि एक दूसरे से उस कठिनाई का हल नहीं करेंगे, उस कठिनाई का हल नहीं खोजेंगे, तब तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब प्रबंधन के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है संप्रेषण, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट है संस्था का शक्तिशाली एवं शक्तिशाली एवं सफल होना। तो दोस्तों संप्रेषण के जब महत्व की हम बात करते हैं, आवश्यकता की बात करते हैं, तो
तो इसलिए संप्रेषण महत्वपूर्ण बन जाता है कि संस्था का शक्तिशाली एवं सफल होना किस पर निर्भर है, संप्रेषण पर निर्भर है। क्योंकि जब तक संप्रेषण नहीं होगा, मान लो जब तक कर्मचारी उस संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करेंगे, जब उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद संस्था भी कैसी होगी, शक्तिशाली भी होगी और सफल भी होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों, संप्रेषण आवश्यक है और महत्व है किन किन स्थितियों में, इस पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट है दोस्तों, संप्रेषण का प्रारूप। दोस्तों संप्रेषण का प्रारूप की जब बात करते हैं तो संप्रेषण का जो प्रारूप है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। एक होता है श्रव्य, एक होता है दृश्य और एक होता है श्रव्य श्रव्य और दृश्य, यानी कि श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। कहने का मतलब ऑडियो वीडियो और ऑडियो वीडियो, दोस्तों जो संप्रेषण का प्रारूप होता है वो तीन प्रकार से होता है, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य ऑडियो, यानी कि श्रव्य ऑडियो दृश्य वीडियो और श्रव्य दृश्य ऑडियो वीडियो। कहने का मतलब इन तीन माध्यमों से संप्रेषण का प्रारूप बनता है। यानी श्रव्य का मतलब जिसको केवल सुना जा सकता है, दृश्य का मतलब जिसको केवल देखा जा सकता है, और श्रव्य दृश्य का मतलब जिसको केवल सुना जाए और दृश्य जाए, यानी सुन भी सकें उसको और देख भी सकें। यानी कि श्रव्य में जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, माइक्रोफोन है, ये जो सामग्री है, जो माध्यम है संप्रेषण का, ये आते हैं। जैसे दृश्य है, दृश्य में क्या आता है, जैसे चार्ट है, चित्र है, मानचित्र है, एपिस्कोप है, प्रोजेक्टर है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, दृश्य के। यहां तक कि मूक फिल्म भी किसमें आती है, दृश्य सामग्री में आती है। क्यों आती है, क्योंकि मूक में बोला तो जाता नहीं। तो ओनली जो फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म आती है दृश्य श्रव्य में, क्योंकि उसमें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। लेकिन मूक फिल्म की बात करें तो वो दृश्य के अंतर्गत आती है। तो इसी प्रकार जैसे श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य में जैसे प्रदर्शन है, नाटक है, भ्रमण है, इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है जिनमें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, या वो माध्यम जिसमें सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, जैसे दूर, जैसे इसमें है क्या, दूरदर्शन टेलीविजन, उसमें क्या करते हैं, हम सुन भी सकते हैं और चित्रों को देख भी सकते हैं। तो वो जो माध्यम है वो किसके अंतर्गत आता है, श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आता है। तो संप्रेषण का जो प्रारूप है वो मुख्य रूप से तीन रूप में बांटा गया है, इसकी जो पहला है श्रव्य, दूसरा है दृश्य और तीसरा है श्रव्य दृश्य। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।